गुजरात में पीएम मोदी ने किया मतदान, अहमदाबाद में डाला वोट, बूथ के बाहर खड़े लोगों का किया अभिवादन। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। गुजरात में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रहा है मतदान। 8 दिसंबर को न्यूज 18 इंडिया पर देखिए गुजरात और हिमाचल चुनाव के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों का सबसे सटीक अनुमान शाम 5 बजे से, हर सीट के रुझानों का पूरा विश्लेषण देखिए न्यूज 18 इंडिया टारगेट महापोल। यूपी और बिहार समेत 5 राज्यों के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भी हो रहा है मतदान। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, सदन में दी गई पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि, अनुपूरक बजट भी होगा पेश। भारत में G20 सम्मेलन की मेजबानी के मद्देनजर आज शाम होगी सभी दलों की बैठक, पीएम मोदी सभी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे तैयारियों पर। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दो टूक, कहा राज्य में नहीं चलेगा बेटियों के 35 टुकड़े करने का खेल, जरूरत पड़ी तो बनाएंगे सख्त कानून। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।